आज हमारा दूसरा और आखिरी दिन ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ पर, और आज हम कुछ एंडेंजर्ड कछुओं से मिलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले सीधा चलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ के अंदर स्कूबा डाइविंग करके। ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया का लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है। यहाँ पर 2900 से ज़्यादा इंडिविजुअल रीफ्स हैं, 1500 से ज़्यादा फिश की स्पीशीज मिलेंगी, 400 से ज़्यादा कोरल की स्पीशीज। और कोरल्स अपने आप में दिखने में एक नॉन लिविंग थिंग की तरह लगते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये ना सिर्फ एक लिविंग थिंग है बल्कि एनिमल्स हैं, छोटे छोटे एनिमल्स जिन्हें पॉलिप्स करके बुलाया जाता है। इन कोरल रीफ्स को अपना रंग बिरंगा कलर मिलता है एल्गी की मदद से। इन पॉलिप्स के अंदर सिम्बायोटिक एल्गी रहती है। ये एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है जिसकी मदद से न्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं कोरल को। अनफॉर्चुनेटली रीसेंट ईयर्स में क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है कि हमारे ओशंस ज़्यादा गर्म बन रहे हैं, समुद्र के अंदर पानी का तापमान बढ़ रहा है। इससे क्या होता है, कॉरल्स के अंदर जो ये सिम्बायोटिक एल्गी है वो बाहर निकल जाती है, कॉरल्स अपना कलर लूज कर जाते हैं और कम्प्लीटली वाइट कलर के बन जाते हैं। इस प्रोसेस को कॉरल ब्लीचिंग कहा जाता है। और यही सबसे बड़ा खतरा है आज के दिन हमारे ओशंस के लिए। कछुओं से लेकर मछलियों तक 25% मरीन लाइफ, जो लाइफ समुद्र के अंदर पाई जाती है, वो इन कॉरल रीफ्स पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करती है। यहाँ एक बहुत ही अजीब किस्म के जानवर जो हमने पानी में देखे, इन्हें नियोडिब्रांस कहा जाता है, एक तरीके के सी स्लग हैं ये। इतने कलरफुल कि ऐसा लगता है कि ये एलियन हो, बिल्कुल लगता ही नहीं कि ये धरती पर एग्जिस्ट करते होंगे। हमने डाइविंग करते वक्त ये वाला देखा शायद से। यहाँ ग्रेट बैरियर रीफ में कई प्रकार की एंडेंजर्ड और वल्नरेबल टर्टल की स्पीशीज भी हमें देखने को मिली, जैसे कि ये लॉगर हेड टर्टल या फिर एक ऑलिव रिडली टर्टल। ये लॉगर हेड वाला टर्टल का साइज तो इतना बड़ा है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये आराम से 5 फुट होगा साइज में। इन टर्टल्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जिस बीच पर ये पैदा होते हैं, जहाँ पर ये अंडों से निकल के पानी में जाते हैं, बाद में जब ये बड़े होते हैं वापस जो फीमेल्स होती हैं सेम बीच पर अंडे देने आती हैं। उस सेम बीच को ये ढूंढ कैसे पाते हैं, साइंटिस्ट का मानना है कि ये धरती की मैग्नेटिक फील्ड्स के जरिए नेविगेट करते हैं। और एक और चीज़ इनके बारे में, इनकी जो शेल है वो इनकी बॉडी का एक हिस्सा है, तो ऐसा नहीं है कि टर्टल्स अपनी शेल से बाहर निकल सकते हैं। जैसी हमारी स्पाइन होती है वैसे ही इनकी शेल भी इनके वर्टिब्रल कॉलम में इंटीग्रेटेड है। शार्क्स की लिस्ट यहाँ पर जो हमें पानी में दिखेंगी, ब्लैक टिप, लेमन शार्क, व्हाइट टिप, आई डोंट थिंक देयर इज अ डेंजरस शार्क हियर एक्सेप्ट द टाइगर शार्क इज डेंजरस। ओह दैट इज अ बिट डेंजरस। या ग्रेट हैमरहेड आल्सो। या या ओके लेट्स होप वी डोंट एनकाउंटर दिस टू। Maybe the tasseled wobbegong shark. It looks like its name also. ये अलग अलग प्रकार की जेलीफिश जो यहाँ के पानी में मिलती हैं, इन्हें याद रख पाना बड़ा मुश्किल है। ये वाली डेंजरस वाली होती हैं, लेकिन खुद ही इमेजिन करके देखो कैसे याद रखोगे, ये और ये एक दूसरे से कितनी सिमिलर हैं, लेकिन ये डेंजरस है ये नहीं है। और हमें एक दिखी थी, कुछ ऐसी दिख रही थी, लेकिन हम डर के भाग गए क्योंकि हमें पता नहीं कि कौन सी थी वो। ये इतने बड़े बड़े टर्टल्स जो हमें दिखते हैं यहाँ, इसके स्कल्स रखे हुए हैं, बड़े ही अजीब से लगते हैं स्कल्स। लगता नहीं है स्कल को देख कर कि इसका चेहरा ऐसा दिखता होगा रियल लाइफ में। हम जंगल के रास्ते से वापस अपने रिजॉर्ट में जा रहे हैं क्योंकि टर्टल टूर का टाइम होने वाला है, जहाँ पे हमें टर्टल्स की हैचिंग करते हुए देखने को मिलेगी। स्मेल बहुत ही ज्यादा है यहाँ पर चिड़ियों की, यानी स्पेसिफिकली कहा जाता है चिड़ियों की पोटी की, लेकिन बहुत ही सुंदर सा जंगल है। मेरे अलावा यूली के हाथ पे भी हो गया, लेकिन मोर ऑर लेस यू आर सेफ। वन टाइनी जॉब, इट्स सो हार्ड।
ये जो चिड़िया है इनका नाम शेयर वाटर है और ये जमीन के अंदर ऐसे गड्ढे बनाकर रहती हैं, 2 मीटर तक लंबे हो सकते हैं और हमें बाहर से सिर्फ ये एंट्रेंस दिखेगी। तो जहाँ जहाँ पत्थरों में ये एंट्रेंस दिख रही है हमें बंद नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अंदर ही इनके बच्चे मर जाएंगे। अगर गलती से बंद हो जाती है चलते चलते तो इस वापस खोल देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे गड्ढे हैं जमीन में जहाँ पर ये रह रही है। यहाँ पर एक स्पेशल केज बना रखी है कुछ अंडों के लिए, क्योंकि यहाँ जिस टर्टल के अंडे हैं वो एक एंडेंजर्ड लॉगर हेड टर्टल है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। बाकी जो अंडे हैं वहाँ पे वो इतने एंडेंजर्ड टर्टल्स नहीं है। Okay, so we are on our turtle hatchling walk and there's a couple of things to keep in mind. Do you want to tell the audience? उन्होंने कहा कि पहले तो एज पे चलना क्योंकि बहुत सारे टर्टल के अंडे यहाँ पर, इन्होंने कहा इस आइलैंड पर 1500 से ज्यादा टर्टल के अंडे हैं, तो कभी भी वो हैच कर सकते हैं। यूजुअली शाम के टाइम पे करते हैं जब सनसेट हो रहा होता है या रात के टाइम पर, और फिर छोटे छोटे बच्चे वहाँ से निकल कर आते हैं। यहाँ पे बहुत ही छोटा सा बच्चा दिख रहा है, और अगर एक टाइम पर 20-40 अंडे हैच करते हैं तो उसे इरप्शन कहा जाता है, और वो भी हो सकता है। अनफॉर्चुनेट चीज़ इन्होंने ये भी बताई कि जब वो बच्चे एक्चुअली में समुद्र की ओर जाते हैं सिर्फ 0.1% चांस होता है उनका जिंदा बचने का, क्योंकि चिड़िया आकर उन्हें खा जाती है या वहाँ पे शार्क्स उन्हें खा जाती है। Everyone is waiting to eat them. Yeah, अगर हम देखते हैं किसी चिड़िया को आकर टर्टल के बच्चे को खा जाए तो उसे खाने देना चाहिए। So cute. तो इतने सारे हैं ये, और एक सीजन के अंदर ये सारे हैच करेंगे कभी ना कभी, तो इस सीजन में आएंगे तो बड़ा हाई चांस है उन्हें देखने का। And what is the season? In January till May, but best probably around March or something. We're slightly too late, otherwise you would be seeing them left and right everywhere. बहुत ही सुंदर से कलर्स दिख रहे हैं सनसेट के, और क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो होपफुली कोई सीगल इस वाले हैचलिंग को खाएगा नहीं। ओह यार ट्रू, द लो टाइड इज अ साइन ऑफ होप फॉर हिम सर्वाइविंग आई फील लाइक। अगर इस पूरे बीच पर आप सैंड देखोगे क्या है, यहाँ पे कोई सैंड नहीं है एक्चुअली में, ये बस कोरल के टूटे हुए पीसेस हैं बहुत सारे। एवरीवेयर लगता है हमें हैचलिंग का इरप्शन होते हुए दिख गया है, क्योंकि यहाँ पे एक है, वहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओह माय गॉड देयर एवरीवेयर, वाओ। लेकिन इतना अंधेरा हो गया है कि कैमरे पे कैप्चर करना इसे काफी मुश्किल है। दे माइट वॉक ओवर योर फीट आल्सो। गो लिटिल रॉक स्टार। अनफॉर्चुनेटली मैं फ्लैश का यूज़ नहीं कर सकता यहाँ पर क्लोजली दिखाने के लिए, क्योंकि लाइट इनके लिए बड़ी बेकार है, ये डायरेक्शन भटक जाएंगे और फिर कभी पहुँच नहीं पाएंगे, तो इस तरीके से इंटरफेयर नहीं किया जा सकता। अभी हम बीच पर खड़े हुए हैं और पता नहीं कैमरे में कितना आ रहा है, लेकिन यहाँ पे रात में कुछ चीज़ें चमक रही हैं बीच पर, और ये बायो ल्यूमिनेसेंस हमें देखने को मिल रही है। Best night sky you have ever seen. And this doesn't come on camera either. Not at all, but the Milky Way is visible. Yeah. It's beautiful. इन दोनों चीजों की मैं फोटो डाल सकता हूँ और फिर कंपेयर किया जा सकता है। Wow. There you go. There you also look. Where? It's gone now. Here. It's gone now. There. The whole thing is lit up. Oh my god. आंखों से इतना दिख नहीं रहा है लेकिन रियल लाइफ में पूरा क्लियरली बहुत सारी चमकीली चमकीली लाइटें दिख रही हैं। या